नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज। पंजाब की जेलों से गतिविधियां चलाने वाले गैंगस्टरों और अपराधियों की गठजोड़ के विरुद्ध अब बड़ी कार्रवाई करते हुए विशेष मुहिम के अंतर्गत पुलिस ने अब तक 70 जेलों से 710 मोबाइल फोन बरामद किए। इसी बीच जेलों से वीआईपी कल्चर को जड़ से खत्म करने के लिए पंजाब सरकार ने सभी वीआईपी सेलों को खत्म करने और इनको प्रशासनिक ब्लॉकों में बदलने का निर्णय लिया। जानकारी के मुताबिक 16 मार्च से 10 मई तक एक विशेष मुहिम चलाई गई, जिसके अंतर्गत कैदियों से 710 के आसपास मोबाइल फोन बरामद किए गए। 16 मार्च से 31 मार्च तक 166 मोबाइल फोन बरामद किए गए, जबकि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 354 मोबाइल फोन बरामद हुए। इसके अलावा 1 मई से 10 मई तक की कार्यवाही के दौरान 190 मोबाइल फोन पकड़े गए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि इन मोबाइल फोनों का प्रयोग गैंगस्टर और तस्कर जेलों से अपनी कार्यवाही को चलाने के लिए करते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन व्यक्तियों के नाम पर ये फोन नंबर चल रहे हैं, उनको पकड़ने के लिए भी जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। भगवंत मान ने कहा कि जिन जेलों से मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, उनके अधिकारियों और स्टाफ की जिम्मेदारी भी अब तय की जाएगी। इसके अलावा पंजाब की जेलों में जो कैदी हैं, उनको कोर्ट ने कानून तोड़ने के लिए सजाएं दी हैं, वो जेल में बैठे हुए सुख सुविधाओं का आनंद तो बिल्कुल नहीं ले सकते। भगवंत मान ने कहा कि जेलों को अब वास्तव में सुधार घर बनाया जाएगा, जहां अपराधियों को अपने किए गुनाह की असली मायनों में सजा भुगतनी पड़ेगी। गौरतलब है कि पंजाब की जेलों में मोबाइल कल्चर इस कदर बढ़ चुका है कि गैंगस्टर जेलों में बैठकर सोशल मीडिया के जरिए लोगों को धमकियां दिया करते हैं, यहां तक कि जेल के बाहर हो रही कत्ल की वारदातों की जिम्मेदारियां भी लिया करते हैं। लेकिन देखना अहम होगा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस कार्यवाही के बाद क्या वाकई में जेल अब सुधार गृह बन पाएगा, या फिर ये भी आए गए दिन की बात हो जाएगी। फिलहाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अब कहीं ना कहीं कड़ा रुख अख्तियार कर रहे हैं, जिससे कि पंजाब के जेलों की हालत अब सुधरती हुई तो जरूर दिखाई दे रही है। टीम पीडीएफ न्यूज़।